राम मंदिर से क्या होने वाला है? पढ़ा रहे हैं बच्चों को किस लिए? रोजगार के लिए? रोजगार भी युवाओं को चाहिए। एक साल के बाद ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा आपको, हमको, सबको। बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज होके एक बार क्यों नहीं वोट देने के लिए उतर रहा है? राम जी रहेंगे तो ना नौकरी मिलेगा। कर्फ्यू लगा ना राजेंद्र नगर पटना सिटी जंक्शन में, देखिएगा विकास होगा, नौकरियां मिलेगी। देखिए लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में लोग क्या सोचते हैं, मुद्दा विकास का होगा या राम मंदिर का, रोजगार का होगा या फिर अनाज का। देखिए बात करेंगे, हमारे साथ कई लोग हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। मुद्दा क्या है इस बार, रोजगार या राम मंदिर? राम मंदिर से क्या होने वाला है? मेन रोजगार, नौजवानों को रोजगार चाहिए। अब जो बीए में कर करके बैठा हुआ है उसको रोजगार चाहिए। राम मंदिर से क्या होगा, कुछ होगा तो बनने का था, बन गया, ठीक है, उसका आडंबर अब ढोल पीटने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नौजवानों को नौकरी दीजिए, उद्योग बैठाइए, ये सब ने नौजवानों के हित में होगा। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। क्या लगता है कि रोजगार मिलेगा? अब देखिए नेता लोग तो भाई कुछ भी बोलते हैं, हम लोग तो नेता हैं नहीं, हम लोग तो एक पब्लिक के तरह हैं, तो पब्लिक के लिए। अच्छा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो रोजगार हम मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं रोजगार तो। अब पढ़ लिख हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को किस लिए? रोजगार के लिए। अब रोजगार ही उसको नहीं मिलेगा तो फिर नेता लोग तो कुल बेकार है। भारत के जितने भी पार्टियां हैं सब बेकार है, एक भी अच्छी नहीं। क्या लगता है मैडम, रोजगार मुद्दा है या महंगाई या राम? अब हम क्या बोले, महंगाई है, महंगाई देख रही है बढ़ रहा है कि घट रहा है? महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथी एक्शन लेना चाहिए था। और राम मंदिर के जहाँ तक सवाल है, राम मंदिर तो बन गया, ठीक है, आस्था है, सभी लोगों को आस्था है, विपक्ष रहे चाहे पक्ष रहे, इसमें तो कोई अथी नहीं है। लेकिन है कि रोजगार भी युवाओं को चाहिए। हाँ, जो तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं कि 1 करोड़ जन रोजगार देंगे, तो युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए ना सर, चाहिए। 80 करोड़ रोजगार लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज, अनाज लेके खाइए। रोजगार की चाहिए? रोजगार, बेरोजगार बहुत है बिहार में। मोदी जी मुफ्त अनाज दिए रहे तो फिर अनाज खाइए ना, रोजगार की क्या जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है, रोजगार जरूरत है, दम जरूरी है। जी, और क्या चाहते हैं कि नेता क्या विकास करे जिससे युवाओं का भविष्य संवर सके? चुनाव का समय, चुनाव चले, इतना बहुत हम बोल दिए। क्या लगता है क्या होना चाहिए मुद्दा? क्या मतलब, रोजगार मिलना चाहिए या राम? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है ये मिलना चाहिए? राम तो हमारे आपके सबके आत्मा में राम है। राम के नाम पर ढिकढोरा पिटने की क्या जरूरत है? लेकिन रोजगार और महंगाई तो चरम सीमा पर है, समझे आप? जहाँ तक बात है, अब विकास की बात है, विकास तो तय है, लेकिन आप जरा सोचिए कि विकास से हट के लोग उग्रवाद या उग्रपंथी या आक्रामक CRPC को क्यों उल्लंघन कर रहा है, उसके साथ क्या मजबूरी है? इसको तहकीकात करने की ज़रूरत है, उसको बात से निपटा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि तुम हथियार मत उठाओ, शांति ढंग से रहो। लेकिन ऐसे करने से नहीं ना होगा, हाईटेक करके ऊपर मार रहे हैं, हाईटेक ऐसे देख रहे हैं, दना दन आपका पैसा निकलते जा रहा है हाईटेक में, है ना? आप बैठे हुए, आपका पैसा निकल गया। हाईटेक की भी एक सीमा है, हाईटेक की पूरा कर देगा, जितना वृक्ष कटा है हाईटेक पूरा कर देगा का? एक साल के बाद ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा आपको, हमको, सबको। 2 साल का जो टर्म पीरियड था कोरोना का, ऑक्सीजन लेके चलना पड़ा था। गांधी जी कहे थे ना कि एक बार शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, अब भागना पड़ा आदमी को। इसलिए आदमी अपना मूलभूत चीज को कभी नहीं भुलाए हाईटेक के आधार पर। ये लोग ज्यादा हाईटेक कर रहे हैं ना, तो ये लोग के तो कुछ दिन तक के होगा, लेकिन दुर्गति तो ये लोग भी, कोरोना में सबसे ज्यादा मृत्यु हाईटेक का हुआ है, समझे? गांव ग्राम में कहाँ हुआ? हम लोग चलते थे तो मुँह तो सब कहता था कौन चीज लगा लिया है, और वहाँ कोई शादी ब्याह दुनियादारी जो है। इसलिए आज ये लोग को बुझा रहा होगा कि पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होके एक बार क्यों नहीं वोट देने के लिए उतर रहा है।
वोट परसेंटेज भी कम हो गया है, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। राम लल्ला के मानने वाले लोग, माननीय प्रधानमंत्री को मानने वाले लोग ही निकले, बेवजह निकल राम लल्ला को मानने वाले लोग के मतलब आप, हम नहीं मानते राम जी को, पसंद नहीं किए, राम में आस्था रखने वाले लोग ही निकले और जाके वोटिंग किए। अच्छा, ये लोग राम को नहीं मानते, ये लोग राम को नहीं मानते, आप लोग राम को मानते हैं? बिल्कुल मानते, राम को मानते हैं, सबको मानते, सब मानता है राम। राम जी रहेंगे तो ना नौकरी मिलेगा, भगवान नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से देगा, कौन देगा? एक चीज है, सद्बुद्धि रहेगा, सर भगवान जी ने सद्बुद्धि देंगे उसको कि नौकरी बेरोजगार को देना है। श्री राम मंदिर बना है अयोध्या में तो सारे बेरोजगार वहाँ उठ के चले जाए, ठेला लगा ले वहाँ, ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन भगवान रोजगार आप ही ना कहे, राम रोजगार देंगे, राम रोजगार देंगे, राम रोजगार देंगे तो राम ठेला लगाने चलेंगे, एकदम देंगे, राम रोजगार देंगे तो सब युवा वहाँ ठेला लगाने चलेंगे। कहा देने पूछे ना, सबसे पहले वही लोग वहाँ चल जाना चाहिए। नहीं, रोजगार आप देखते हैं कि पिछले दिनों से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार नौकरियां दी जा रही है, रामे जी के प्रधानमंत्री सद्बुद्धि देवल गया कि प्रधानमंत्री की बात। अब अगला भी कह रहा है कि हम वो देंगे 1 करोड़, रामे जी का कृपा है, प्रधानमंत्री की बात हो, प्रधानमंत्री की बात। बिहार राज्य में सुनिए, बिहार राज्य में पहली बार पटना के 3 स्टेशनों पर 144 लगाया गया, इसलिए कि रेगुलर वैकेंसी जो रेलवे का होता है आप दाब के रख रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। कर्फ्यू लगा ना राजेंद्र नगर पटना सिटी जंक्शन में, आज तक कभी ऐसा सुने थे किसी सरकार में? कर्फ्यू लगाया गया, बताइए इनका जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि पटना में, बिहार में 3 जगहों पे 144 धारा लागू किए गए थे रेलवे पे, स्टेशन पे, कि छात्र वहां पहुंच के उग्र प्रदर्शन ना करें। ऐसा कभी हुआ था? हाँ, रेलवे में नौकरी बहुत सारी, सरकारी संपत्ति नुकसान करके आपको नौकरी चाहिए? हाँ, तो नौकरी दे का रहे आपके लिए बनाई हुई है स्पेशल जोन की, वहाँ जाके धरना दीजिए। दे रहे थे, रेल को रोक रहे हैं, नौकरी दे रहे, कौन बड़का काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे। अरे राम जी आए तो सब सद्बुद्धि हुआ, नौकरी दिए, नौकरी मांगे लगा, नौकरी दिए, रामे जी कहे कि मांगो नौकरी, इसलिए तो मांग रहा है युवा, तो मांग रहा है 2024 दे भी तो रहे लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे मोदी जी दिए कि नहीं बताइए? मोदी जी भी देंगे भाई, कहेंगे दे ही रहे, देंगे देंगे और दे ही रहे में अंतर है कि नहीं? सुनिए, 5 वर्ष किसी का इंतजार करता है, भूल से 10 वर्ष, 11वां वर्ष किसी का इंतजार करता, सुने हैं क्या? एकदम क्या बात है, आठी मार रहे हैं, सबसे तेज वही अपने को समझ रहे हैं, हैकड़ी मार रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने इतना गड्ढा खोद रखा था कि आज 10 वर्ष इनको गड्ढे भरे में लग गया, अब आगे आएंगे तो करेंगे, देखिएगा विकास होगा, नौकरियां मिलेगी, जरूर मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा। 4 साल जो रोजगार के थी अग्निवीर को रखे हैं, और मर जाएगा बॉर्डर पे तो उसको शहीद की उपाधि भी नहीं दी जाएगी, तो किया जा रहा है? नहीं नहीं, प्रशिक्षित किया जा रहा है किसको? आप सब लोग प्रशिक्षित रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप देखते हैं सावधानी हटी दुर्घटना का, हाँ, तो सावधान किया जा रहा है, लोग को प्रशिक्षित किया जा रहा है, करके आप लोग घर में एक एक सिपाही तैयार, एकदम ना, एकदम लोग को पेट में खाना नहीं रहेगा तो डकैती जरूर जरूर उसका, आप पीछे में जाइएगा तो पता चलेगा कि उसमें जो बेहतर करेंगे लोग आगे। अच्छा, मोदी जी का कहीं ये सोच तो नहीं है कि हम जो 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार दे रहे हैं अग्निवीर के माध्यम से, वो बेरोजगार हो जाएंगे, इसीलिए है उसको बेरोजगार सिलेक्शन होगा, 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, बाद उनको तो इसीलिए जो लोग आगे निकलेंगे 80 करोड़ लोगों को रोजगार अनाज नहीं सबको मिलने वाला है, अंबानी अंडानी व्यापारिक लोग जो है ना उसको बॉडीगार्ड बनाएंगे, इसीलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, चूंकि विधवा तो बेचारी रोएगी, एगो पेंशन पाएगी, एगो बैठ के रोएगी। ये लोग के कितना मतलब गंदा विचार है कि अपने 5 असेंबली में जीतेगा उसका अलग पार्लियामेंट का अलग पेंशन, और वो बेचारा जो है मरेगा उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे सकता है। चुल्लू भर पानी, इस देश में पहली बार शहीद को बिना दर्जा दिया गया, देश में पहली बार हुआ है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ बोलना? प्रधानमंत्री को विपक्ष के लोगों द्वारा, इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा जब इतने घोटाला हो गए थे तब जाके प्रधानमंत्री का चयन हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, IPL घोटाला, जब पूरा इंडिया घोटाला से भर गया था तो लोगों ने कमल खिलाने का काम किया था। विजय माल्या क्या किए? विजय माल्या आप
अब तो उचल गए विजय माल्या यहाँ, तो वो घोटाला नहीं है, वो तो बोले थे 15-15 लाख रुपए लाएंगे और पैसा पैसा लाने की बात हुई थी, नियम कानून लाने की बात हुई थी तो लेके चले हो रही है। नीरव मोदी क्या की कार्रवाई होगा उस पर, मेहुल चौकसी क्या किए कार्रवाई होगा, कहे आप टेंशन में है, जरूर कार्रवाई होगा, कार्रवाई होगा। अब चुनाव में इस बार कौन किसको गद्दी मिलेगी जनता तय करेगी। कमल कीचड़ में खिला है और फिर कीचड़ में कमल खिलेगा। अच्छा, चलिए चलिए अब देखना ये होगा कि जनता किसके साथ है। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज पर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।